ये हमारा फोर्थ शेड है जी। इसमें जो ये वाले एनिमल्स हैं ये सारे प्रेग्नेंट है, हेफर हैं सारी प्रेग्नेंट है। इनकी एज क्या है ये जो? ये एज 1 साल से ऊपर है इनकी, वन ईयर मंथ है। हम जो है जब एनिमल का वेट जो है वो 400 kg हो जाता है और एज जो है 1 ईयर हो जाती है, उसे हम इनसेमिनेट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रेग्नेंसी जो है इनकी 12 महीने पे है, हाँ बारह जी तेरह महीने की। जैसे 400 kg इनका लाइव वेट होगा, आप हाँ जी, इनको आप इंसेमिनेट कर देंगे। इनसेमिनेट कर देंगे। ये तकरीबन 1 ईयर प्लस वाले सारे एनिमल है ये देख अच्छा, ये लाइन जो ये है ये सारे 14 महीने, 15 महीने, 2 साल, ये इस रेंज में एनिमल है इस वाले पेन में। ये जी अच्छा, वन वाला पेन है हमारा। जीवन जीवन हाँ जी, क्या ये मतलब? हमने सेक्शन वाइज जो है ना डिवाइड किया, तो अच्छा, ये वाला जो है पेन है इसको हम G1 के नाम से देते हैं। हाँ तो जी, इसको सब सब की फीडिंग जो है यही है साइलेज जी? ये वाले जो ये हमारे आप कहेंगे ड्राई एनिमल्स है, तो हम इनको कड़ब और साइलेज मिक्स डालते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट रेशियो है, 70-30 रेशियो अब हम डाल रहे हैं, यानी 70% कड़ब है इसमें और 30% साइलेज है इसमें। अच्छा, जैसे ये सेक्शन बने हुए हैं इसीलिए इनकी फीडिंग जो है हाँ जी हाँ जी, वो भी चेंज। हर एनिमल जो है हमने जो मिल्किंग वाले हैं वो भी इसी तरीके से हैं, जो हाई प्रोड्यूसर है उनको फीड हाई प्रोड्यूसर वाली है, अच्छा जो अच्छा लो वाले हैं उनको लो वाली है, अच्छा जो अच्छा ड्राई एनिमल है उनकी फीड सेपरेट अच्छा है। अच्छा ये जो कड़ब है ये हमें सस्ती पड़ती है, साइलेज महंगा है। साइलेज 17-18 रुपये पड़ेगा, ये 5 से 6 रुपये पड़ेगी, जबरदस्त हो गया तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। ये आप। हमारा काफ वाला सेक्शन है, जी जी जो 15 दिन तक हम बच्चे को जो है ना केज में ही रखते हैं अच्छा ऑलमोस्ट, क्योंकि उनको फीडिंग करवाते हैं बाई हैंड, और अच्छा देन जो है जो 15 दिन से ऊपर होता है उनको फिर बाहर हम ले जाते अच्छा हैं। बाहर छोड़ हाँ देते जी, हैं। वो फिर बकड़ पे जो है ना उनकी फीडिंग होती है तो इनको भी। इनका जो दूध होता है और हाँ वंडा जो वो, है वो बाई वेट होता है? अच्छा, हाँ जी, बाई वेट होता है। जो हम छोटे बच्चे हैं ये तकरीबन 3 दफ़ा मिल्किंग होती है, 3 दफ़ा इनकी फीडिंग होती है। 2 लीटर पर जो काफ है ना वो हम देते हैं अच्छा बच्चे को, तो ये छः इनका लीटर एक दिन में। 6 लीटर एक दिन में होता हाँ है, तो जी, इस इनका एक्सपेक्टेड वेट कितना होगा इनका? ये जो अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो बच्चा है जी, अच्छा इसकी कल काविंग हुई है, अच्छा ये मेल काफ है, ये कल इसकी काविंग हुई है, और ये 40 kg था इसका बर्थ वेट। अच्छा, ये तकरीबन जो है वो 35 kg से ऊपर है सारे। 35 kg से हाँ ऊपर है, जी जबरदस्त हो गया। और उसके बाद इनको ओपन कर देते हैं वहां पे हाँ, वंडा? 15 दिन के बाद फिर हम इनको ओपन कर देते हैं, अच्छा, केज से निकाल के हाँ, बाहर इनको शिफ्ट करते हैं। इनको बस काफ स्टार्टर ही ऑफर कर रहे हैं? हाँ, डे फर्स्ट से हम जो है वो काफ स्टार्टर और पानी अच्छा, और पानी। दूध, तो फिर जब हम अच्छा, तो ये कितने दिन तक आप काफ स्टार्टर पे रखते हैं और पानी पे? ये तकरीबन जब तक ये हम इसको ऐसे ही चलाते हैं, 100 डेज तक जो है ना हमने इनका 3 महीने में जो है ना वो 100 kg वेट गेन करना है। जब अच्छा हो जाता है फिर हम इनकी वीलिंग कर देते हैं, फिर इनका दूध चढ़ा देते हैं, अच्छा फिर अच्छा इनको जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर देते हाँ, हैं। उसमें साइलेज पे और उस पे आ जाते हैं। हाँ जी, अच्छा, मतलब ये उसमें है। भी साइलेज हम 6 महीने के बाद जाके साइलेज देते हैं, इससे अच्छा पहले नहीं साइलेज देते। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये कि तीन तीन से लेके 6 महीने के दरमियान जो है वो वंडा ही होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको सिंपल कर दूं कि हाँ जी डे फर्स्ट से लेके 90 डेज तक हाँ जी, जो 90 डेज बच्चा है सारे। उसकी 100 kg जो वेट है वो करना है। हाँ जी जब करना। 100 किलो का ये हो जाता है हाँ तो जी, इसका जो दूध है वो बंद कर दिया जाता है, बंद फिर कर देते हैं। इसको 6 महीने तक, 3 से 6 महीने तक सिर्फ काफ स्टार्टर पर रखा जाता है। हाँ जी, काफ स्टार्टर नहीं होता वो वंडा ही होता है। अब वंडा ही होता है हाँ, मतलब? थोड़ी कम सीपी वाला हाँ, होता है। कम सीपी वाला। उसके बाद 6 माह के बाद इसको अगले हाँ जी, जो सेक्शन है। उसमें फिर जो है हम 2 kg 3 kg साइलेज ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अच्छा उसका अच्छा रूमन फिर डेवलप हो जाता है। अच्छा, रिकमेंड करते हैं आपके 6 महीने तक बच्चा जो है ना, 5 से 6 महीने तक उसको साइलेज या सब चारा ना दिया जाए? हाँ सब जी चारा तो यहाँ पे वैसे भी होता ही नहीं है। हाँ जी, होता नहीं। वह अगर आप देंगे तो उसका वो पेट बड़ा हो जाएगा, वेट गेन नहीं होगा प्रॉपर। हाँ, वो अच्छा हाई प्रोड्यूसर नहीं बन सकेगा। हाँ जी, जी आप डॉक्टर देख साहब, लें हमारे जितने भी ये आपने पीछे जो हैफर देखी है उनका किसी का भी पेट नहीं लटक रहा, तो इसमें जबरदस्त है हमने इसको। उनकी फीड जो है वो बड़ी मैनेजेबल रखी थी, और इसीलिए उन्होंने रिक्वायर्ड टाइम में जो अपना वेट गेन किया है। तो यहाँ पे जो आपका काम है इंटरवल है वो कितना चल रहा है? काविंग इंटरवल जो है वो तकरीबन 12 माह यही है। अच्छा, 12 माह। हाँ बारह जी महीने बाद आप बच्चा ले लेते हैं, हाँ फिर जी वो बच्चा जो है वो 1 साल के बाद उसको दोबारा इंसेमिनेट कर दिया हाँ जाता है, जी
देन वो भी आगे मदर बन जाती है। तो जबरदस्त जबरदस्त, उनकी फीड सेपरेट अच्छा, है। अच्छा अच्छा, ये वाले सारे क्लोजर वाले एनिमल है, पार्चुरेशन के करीब वाले होते हैं। अच्छा अच्छा, जिनके 21 दिन पार्चुरेशन में रह जाते हैं जी जी। उनको फिर हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, ये अच्छा। इनको फिर क्लोजर वाली फीड है, इनकी फीड सेपरेट है। अच्छा, इनका फार्मूला जो बंडे का TMR वगैरह वो फार्मूला डिफरेंट हाँ, है। वो डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैं दोस्तों के साथ एक बात शेयर करता चलूं कि डेयरी फार्मिंग में ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीनोमिक्स तो है ही, लेकिन फीडिंग जो है, अक्सर मैं वीडियो में कहता रहता हूँ, जो फीडिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमारे फार्मर जो है वो क्या करते हैं कि एक ही फार्मूला हीफर्स को भी वही दे रहे हैं, जो ड्राई है उनको भी वही चल रहा है, बिल्कुल, और जो हाई प्रोड्यूसर है उनका भी सेम है और बाकियों का भी सेम है। हाँ जी। तो लेकिन जो न्यूट्रिशन है, जो फीडिंग है, ये इनकी सेक्शन वाइज होती है, ये डिफरेंट होती है। हाँ जी। और डेयरी फार्म पे जो न्यूट्रिशनिस्ट का होना जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। तो अच्छा जी, इसके बाद ये भी मैं एक बात और इजाफा कर दूं आपकी बात के साथ ही, जो आपने अभी न्यूट्रिशन का वाला दिया, जी जी क्योंकि जो 1 ईयर है इस पे हमें 400 kg वेट गेन करना, ये भी फीड की बेस पे ही है। जी अगर जी आप जी उन्हें अर्ली जो है वो अच्छी फीड ऑफर करेंगे तो वो जल्दी एनिमल वेट गेन करेगा और जल्दी अर्ली प्रेग्नेंट हो जाएगा, तो हमें वेट ज़्यादा नहीं करना। जी जी जो हमारे लोकल हैं वो यही करते हैं कि जी फीड जो है वो अनइक्वल एनिमल को देते हैं, तो इसी वजह से उनका वेट गेन भी नहीं होता, तो उन्हें ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। जी जी तो डॉक्टर साहब, ये वाला जो सेक्शन है, हाँ जी, ये कौन? हाँ, ये यहाँ तक हमारा यही G1 वाला सारा सेक्शन है। अच्छा अच्छा ये एक हाँ, साल वाला इससे नेक्स्ट सेक्शन जो है ये G2 है। अच्छा अच्छा ये वाले वो एनिमल्स हैं जो इनसेमिनेटेड है, इनका भी पी टेस्ट होने वाला है, अच्छा जैसे अच्छा ही हम इनका अल्ट्रासाउंड कर लेंगे जी जी जो इनमें से प्रेग्नेंट होगा वो इधर आ जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ जी अच्छा ये अभी जो जानवर है इनको इनसेमिनेट किया गया, हाँ जी, अभी तक ये ये कंफर्म नहीं जितने है। भी एनिमल्स हैं ये सारे 380 से लेके जी जी 380 जो है ना केजी से अबव वाले एनिमल, 380 380 से ऊपर वाले हैं जी ये जी 380 सारे। से ऊपर वाले हैं, हाँ जब जी, ये कंफर्म हो जाएंगे प्रेग्नेंट और इनको फिर इसमें लेके आ जाएंगे इस शेड में। तो ये जो सेक्शन है ये कंफर्म प्रेग्नेंट है, और ये अभी जो है मेरे ख्याल में 2-2 महीने के, 1.5 महीने के जो है इनकी ये नहीं, ये 30 डेज पे हम इनसेम और जो है ना इनका अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। अच्छा डेज ऑफ इनसेमिनेशन जब इनको 30 डेज हो जाते हैं तो हम इनका अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो इनमें से प्रेग्नेंट होगा वो उधर चले जाएंगे। जबरदस्त हो गया। और डॉक्टर साहब ये सेक्शन जो है, ये जो है ये वो एनिमल्स हैं जो 380 या 400 से नीचे वाले हैं, ये अच्छा वो अच्छा बच्चे हैं जो अभी इनका अंडर वेट है, जैसे इनका वेट पूरा होगा हम इधर इनको इधर शिफ्ट कर देंगे। अच्छा अच्छा हाँ जी, तो इधर जैसे ही हीट में आते जाएंगे फिर हम इंसेमिनेशन करते रहते हैं, तो ये हमें सेक्शन वाइज जो है ना वो इजी होता है। अब इधर जो एनिमल हीट पे आता है हमें पता है ये अंडर वेट है, अभी जैसे ही वो हम इधर शिफ्ट कर देंगे वेट करेंगे, एवरी मंथ के लास्ट पे जो हम वेट करते हैं इनका, जी जी जिनका 400 kg होगा उन्हें इधर ले आएंगे, अच्छा उनको अच्छा इंसेमिनेशन करेंगे, फिर जो प्रेग्नेंट होगा उसको दूसरे पैनल में अच्छा ले अच्छा लेंगे। यहाँ पे फिर फीड ये भी डिफरेंट है, इनकी और है, इनकी और है। अच्छा, इनको क्या डाल रहे हैं? इनकी जो है वो ज़्यादा एनर्जी वाली फीड है, ज़्यादा CP वाली है। अच्छा अच्छा ये जो है क्योंकि अभी इनका वेट कंप्लीट नहीं ना हुआ, अच्छा जैसे वेट अच्छा पूरा होगा फिर हम उनको इधर शिफ्ट करेंगे, इनकी फीड फिर डिफरेंट होगी, अच्छा यानी अच्छा कम एनर्जी वाली होगी, कम CP वाली अच्छा अच्छा होगी। यहाँ पे एक बात और भी दोस्तों को बताते चलें कि कुछ जो दोस्त हैं उनके पास जानवर होते हैं थोड़े वेट में ही, सम टाइम हीट में आ जाता है, तो हाँ मिनिमम जी, जो 400 kg वेट है, तीन हाँ सौ अस्सी जी, से 400 kg वेट जो है, उस वक्त आप जाके जानवरों को इंसेमिनेट करवाएं ताकि वो आगे जाके हाई प्रोड्यूसर जानवर बन सके। हाँ जी, वो फिर ये भी है कि हम अगर अंडरवेट होगा और उसको इंसेमिनेट कर देंगे तो जब काविंग होगी फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब ये वही जीव चल रहा है, वही सेक्शन? हाँ जी, ये वही वाला है सारा। अच्छा, ये टोटल इस वाला जो पोर्शन है इसमें कितने जानवर हैं टोटल? ये इसमें तकरीबन 200 से अबव भी है। 200 से अब है, जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, ये वाला जो है, ये हमारा ड्राई वाला पेन है, अच्छा इसमें ड्राई जानवर होते हैं? ये सेकंड और थर्ड फोर्थ लैक्टेशन वाले जो जानवर हम ड्राई करके हैं उनको फिर इस पेन में ले आते हैं, इनकी अच्छा फीड फिर वही है जो ये सारी 70 और 30 रेशो के साथ, इन कड़ब ज़्यादा है साइलेज कम है, अच्छा अच्छा बाकी इनको कोई चीज़ नहीं। अच्छा ये कड़ब वो होता है जो साइलेज विदाउट ग्रेन्स? हाँ जी, अच्छा अच्छा छली के बगैर जो, छली के बगैर होता है। तो अगर इसको छली वाला साइलेज दिया जाए तो फिर ये कोई प्रॉब्लम्स करते वो हैं या? कॉस्ट ज्यादा हो अच्छा, जाएगी ना, कॉस्ट हम कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फीड बनाते हैं ना। अब ये जो कड़ब है ये हमें सस्ती पड़ती है, साइलेज महंगा है, साइलेज 17-18 रुपये पड़ेगा, ये 5 से 6 रुपये पड़ेगा। जबरदस्त हो गया। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो बाकी आपके दोस्त जो है या डेयरी फार्मर्स आपको देख रहे हैं? हाँ जी, जो डेयरी फार्मिंग है अगर आप इसमें
जितना स्मूथली चलेंगे, यानी आप जो प्रोसीजर वर्ल्ड वाइड लोगों ने अडॉप्ट किए हैं वो करेंगे तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। अच्छा, मतलब इसको अगर आप टेक्निकली इसको करेंगे तो। टेक्निकली लेके चलेंगे यस हाँ, फिर ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप इसको पुराने तरीके से ही चलाएंगे जैसे पहले चलता था, वडेरे जो चला रहे हैं जैसे सिस्टम, फिर जी, ये डिफिकल्ट होता, फिर ये प्रॉफिट नहीं होता और आपकी जो ब्रीड ब्रीड इम्प्रूवमेंट भी नहीं होती। अगर आप चाह रहे हैं कि प्रॉफिट भी लें और ब्रीड भी इम्प्रूव करें, देन आपको जो है वो मॉडर्न टेक्निकली डेयरी जबरदस्त। फार्म की तरफ आना। तो यहाँ पे टोटली AI हो रही है, टोटली हाँ जी टोटली है, सेट। बुल भी अच्छा, हैं लेकिन वो सिर्फ वो एनिमल्स के लिए यूज करते हैं जो इंसेमिनेट से ना रह रहे हों, तो उनको फिर हम बुल क्रॉस करवा लेते जी हैं। जबरदस्त, डॉक्टर साहब बहुत वो शुक्रिया। बहुत कम रेशो है, अच्छा, हाँ वो 1% लेस देन है। 1% है। चलें, थैंक यू।